नमस्कार। शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि अंजीर के औषधीय गुण क्या है। जी हाँ, अंजीर जो है, अगर कहीं जख्म हो जाता है तो अंजीर का उपयोग किया जा सकता है। उसको लेप बनाकर जख्म वाली जगह पर लगाने से जख्म जल्दी ठीक हो जाता है। और सूखे अंजीर को दूध में पीसकर इसका पुल्टिस बनाकर अगर आप जख्म पर लगाते हैं तो भी जल्दी ठीक हो जाता है जख्म आपका। और अगर कूट कूट कर अंजीर को आप जख्म पर लगाते हैं तो भी जख्म ठीक हो जाता है। दिमाग की शक्ति को बढ़ाने में बहुत ही उपयोगी और अत्यंत लाभकारी है। दिमाग को सोचने विचारने की ताकत को बढ़ाता है। दो बादाम और दो पिस्ते के साथ दो अंजीर खाने से दिमाग की बुद्धि में इतनी वृद्धि होती है कि पूछिए मत। अगर किसी व्यक्ति की जीभ या गले में सूजन हो गई हो तो उसे अंजीर के लेप का प्रयोग करना चाहिए। सूखे हुए अंजीर का काढ़ा बनाकर पीने से गले की सूजन कम होती है और जीभ पर अंजीर को पीस कर लगाने से सूजन ठीक हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति के पेट में कब्ज की शिकायत है और उसकी कब्ज ठीक करने के लिए अंजीर को कई तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है। उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि अंजीर को खाने के बाद पानी पी लें। ऐसा करने से आपके पेट की जो कब्ज है वो सुबह तक ठीक हो जाएगी। और अगर आपको बार बार दस्त हो रहे हो वो भी ठीक हो जाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप दो या चार अंजीर रात को किसी बर्तन के पानी में डालकर, जी हाँ, किसी बर्तन में पानी डालकर उसमें भिगो दें और सुबह उठकर अंजीर को पानी में से निकालकर खूब चबा चबा कर खाएं और खाने के बाद पानी में अंजीर को भिगोया हुआ उस पानी को पी लें। ऐसा करने से पेट की कब्ज ठीक हो जाएगी। और अगर आप 8 से 10 दिन लगातार ऐसा करेंगे तो पेट की कब्ज से आपको परमानेंट राहत मिल जाएगी। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि इसका एक और तरीका हम आपको बताते हैं कि एक अंजीर को 4 टुकड़ों में आप बांट लीजिएगा। उन टुकड़ों को एक गिलास दूध में डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। रात को सोने से पहले दूध को थोड़ा गुनगुना करके पी लें और उसमें भीगे हुए अंजीर के टुकड़ों को खूब चबा चबा कर खाएं। सुबह तक आपकी कब्ज ठीक हो जाएगी और शौच जो है वो बहुत ही आनंद के साथ आएगा। अगर किसी को बवासीर की बीमारी है तो उसे अंजीर खाना चाहिए। अंजीर उसके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। 2 या 3 अंजीर के 4-4 टुकड़े करके पानी में भिगो दो। शाम होने पर इन टुकड़ों को खूब चबा चबा कर खाओ और ऐसे ही शाम को भिगोए हुए टुकड़ों को सुबह उठकर जल्द ही खाएं। इससे बवासीर का जो रोग है वो ठीक हो जाएगा। और बवासीर को ठीक करने का एक और उपाय हम आपको बताते हैं। जी हाँ, कि आप 2 या 4 सूखे पके हुए अंजीर ले लें और 2 या 4 मुनक्का और कुछ मात्रा में छोटी हरड़ ले लें, कुछ दाने मिश्री के ले लें। अब इन चारों को पीस कर इनकी छोटी छोटी गोलियां बना लें। अब इन गोलियों को सुखा लें और इन गोलियों को भिगोए हुए अंजीर के साथ, जी हाँ, इन गोलियों को भिगोए हुए अंजीर के साथ खाने से बवासीर की बीमारी ठीक हो जाती है। तो इस तरह से बवासीर के इलाज के लिए अंजीर बहुत ही मुफीद चीज है। शरीर में पौष्टिकता बढ़ाने के लिए अंजीर का सेवन करना चाहिए और अंजीर अपने आप में बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही लाभकारी है। इसके 4 टुकड़े कर लीजिएगा और इसके साथ एक अखरोट को फोड़कर उसके अंदर की गिरी को निकाल लें या 2 या 3 पिस्ते फोड़कर उसके अंदर की गिरी को निकाल लें। अब दोनों खूब महीन पीस लें। अब 1 या 2 बादाम को पानी में कुछ देर के लिए भिगो दें। जब बादाम भीग कर फूल जाए तो उसके ऊपर के छिलके को छील दें। अब बादाम को कुछ पानी के साथ पीस कर उसका लेप बना लें। अब 1 गिलास दूध लें, उसमें अंजीर के टुकड़ों को डालें, फिर उसमें पिसी हुई अखरोट और पिस्ते की गिरी के चूर्ण को डालें। अब इसमें बादाम के पिसे हुए लेप को डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब इस दूध का सेवन करें। दूध का सेवन सुबह खाली पेट करना कितना लाभकारी है। अगर आपने ये लगातार 30-40 दिन तक ऐसे ही किया तो आपके शरीर की पौष्टिकता, आपका दिमाग, आपके दिमाग की शक्ति बहुत तेजी से विकास होगा और उसके साथ साथ आपकी यौन शक्ति भी बढ़ेगी। तो शरीर में पौष्टिकता को बढ़ाने के लिए इससे बेहतर उपाय और कोई नहीं हो सकता। जी हाँ, सही कह रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि गर्मी के कारण शरीर में कमजोरी को महसूस करने पर पके हुए अंजीर को खाना बहुत ही लाभकारी है।
शरीर से कमजोरी को खत्म करने के लिए, गर्मी में राहत पाने के लिए 2 पके हुए अंजीर को ले इसके साथ मिश्री को मिलाकर रोज सुबह और शाम को खाएं। इससे जल्द ही कमजोरी खत्म हो जाएगी और शरीर को जो गर्मी बढ़ी हुई है उससे आपको राहत मिलेगी। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से अंजीर आपके शरीर के लिए फायदेमंद है और बवासीर के लिए तो अमृत है। अगर बवासीर के लिए और पौष्टिक ताकत के लिए आप अंजीर का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए और आपके दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, हमें सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपना प्यार हम पर बनाए रखिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।